हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडी क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन एमसीक्यू फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड व्हिच मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। Ductility, luster, both A and B, none of these. So the right answer is C. Because ductility means change into wire. तो gold में ये property होती है कि हम उसको पतली पतली wire में change कर सकते हैं ornament बनाने के लिए। दूसरा luster का मतलब shine, to having shine. Gold में सबसे ज्यादा shining भी होती है और ये ductility metal भी रखता है, इसलिए both A and B are करेक्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच मेटल मेल्ट्स व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। सीजियम, गैलियम, प्लेटिनम और बोथ ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका सीजियम और गैलियम दोनों मेटल ऐसे हैं कि जब आप उसको अपने पाम पर रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, नन ऑफ दीज। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट बिकॉज गोल्ड एंड प्लेटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज द कंपोजिशन ऑफ द एक्वा रेजिया इज डाइल्यूट HCl और कंसेंट्रेट HNO3। रेशियो 3:1 में होता है या कंसेंट्रेट HCl और डाइल्यूट HNO3 3:1 में होता है। डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 होता है 3:1 में, या फिर कंसेंट्रेट HCl और कंसेंट्रेट HNO3 होता है 3:1 में, कौन सा आपका सही है ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है कि एक्वा रेजिया में दोनों ही कंसेंट्रेटेड एसिड होते हैं, कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड HNO3। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये 3:1 के रेशियो में है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 इज सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ टू एयर। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यदि सिल्वर को अगर हम थोड़े दिनों के लिए एयर में बहुत दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे ब्लैक कलर की हो जाती है, तो ऐसा किस लिए होता है? उसमें कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बनता है? Ag3n, Ag2s, Ag3o और Ag2s एंड Ag3n। तो जब हम सिल्वर होती है आपकी Ag, उसको एटमोस्फेयर में खुला छोड़ते हैं तो वो एटमोस्फेयर के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है और वो Ag2s बना देती है। तो यानी कि आपका जो ब्लैक कलर होता है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है, यानी ऑप्शन 2 इज राइट। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड या फिर सेकंड एंड थर्ड? देखते हैं कैल्शियम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम प्लस 2H2O, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि इसका आपका Y प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखो, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये तो गलत हो गया, ये तो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इसमें फर्स्ट है, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेकंड, इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, मतलब बहुत ही खतरे के साथ ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है, नहीं, इसमें तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि इसमें सेकंड है ये ऑप्शन नहीं है, इसमें सेकंड है ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन में क्या है? एक तो थर्ड, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, कोई इसमें आपका आसानी से ये रिएक्शन हो जाती है, और फोर्थ, बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है
उसके बबल्स जो होते हैं वो कैल्शियम पर आकर स्टिक हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, सोडियम, मरकरी, आयरन या क्रोमियम? तो राइट आंसर इज मरकरी। ओनली मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीन लेयर जनरली फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन द बाथरूम, व्हाट वुड दिस ग्रीन सब्सटेंस बी? जो हम कॉपर की प्लेट को खुले में छोड़ देते हैं हवा में बाथरूम में काफी दिनों तक, तो उसपे ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो उस लेयर को, लेयर जो होता है वो ड्यू टू कोरोजन होती है, कोरोजन की वजह से होती है, ये तो सबको पता है। कोरोजन क्या होता है? ईटिंग अवे ऑफ मेटल। तो ये जो लेयर बनती है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है। अब इसमें से कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कौन सा फॉर्मूला ठीक है, ए बी सी डी? आपका इसका ऑप्शन वन सही है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नॉन मेटल इज लस्टरस? जनरली नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता, लस्टर जो होता है मेटल्स में होता है, तो ये एक्सेप्शन है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, यानी कि जिसमें शाइनिंग होती है, सल्फर में, फॉस्फोरस में, आयोडीन में या सिल्वर में? तो राइट आंसर इज आयोडीन। आयोडीन आपका ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन देता है, इसके अलावा सभी नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज नॉन लस्टरस? ऐसी कौन सी मेटल है जो नॉन लस्टरस होती है? जनरली अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सभी मेटल क्या होती है, लस्टरस होती है, सब में शाइन होती है, लेकिन ऐसी कौन सी मेटल है जिसमें शाइन नहीं होती? गोल्ड में होती है, सोडियम में होती है या नहीं, आयोडीन नॉन मेटल है, सिल्वर में होती है, यानी कि इन तीनों में होती है, आपके सोडियम में शाइन नहीं होती, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है, ये आपका नॉन लस्टरस मेटल है।